15 दिनों में 2,00,000 भक्तों ने टेका माथा। क्या इस बार टूटेंगे पुराने सारे रिकॉर्ड? बाबा केदार के दर पर लगा भक्तों का तांता, बदलते मौसम पर भारी पड़ी भक्तों की आस्था। बाबा केदार के भक्तों की आस्था का अगर अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगाया जा सकता है कि 15 दिनों में ही 2,00,000 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। इस बीच मौसम के बदलते मिजाज ने भी यात्रा मार्गों पर कई रुकावटें और मुश्किलें पैदा की, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करके बाबा केदार के भक्त दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुँच ही गए। 25 अप्रैल को पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट 6 महीनों के लिए खोले गए थे और कपाट खुलते ही हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे और 15 दिनों के भीतर ही 2,00,000 भक्तों ने बाबा केदार के धाम में माथा टेक लिया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही मौसम करवटें ले रहा था, कई बार यात्रा मार्गों पर भी यात्रा रोकी गई, बावजूद इसके भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँच ही गए। वहीं केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी का कहना है कि भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि मंदिर के सभा मंडप से ही भक्तों को दर्शन कराए जा रही हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, उसी में श्रद्धालु बढ़िया व्यवस्था से सभा मंडप से सभी का दर्शन हो रहे हैं। गर्भगृह में जाने का अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन गर्भगृह से छोड़कर बाहर से सभा मंडप से सभी श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति से शुभ व्यवस्था से सभी श्रद्धालु दर्शन ले रहे हैं। कपाट खुलने से लेकर और अब तक तकरीबन 15 दिन बीत गए हैं। इस बीच यात्रा मार्गों पर 2 बार ग्लेशियर भी टूट कर आए, यात्रा प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा 15 दिनों में 2,00,000 पार पहुंच गया, जो कि एक नया रिकॉर्ड बनने की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कपाट खुलने के बाद से ही यात्रियों को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, सभा मंडप से ही भक्त दर्शन कर रहे हैं। भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि बाबा केदार की नगरी भक्तों से भरी भरी लग रही है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी का कहना है कि उन्हें उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में मौसम खुल जाएगा। देखिए, पिछले 15 दिन मौसम खराब रहा, लेकिन उसके बाद भी 13-14 हज़ार के एवरेज से अब तक 2,00,000 से ऊपर यात्री हमारे ट्रेवल कर चुके हैं और आज 10 तारीख से मौसम के बेहतर होने का अनुमान है, जिसके क्रम में सुबह से जो भी लोग पहले के रह गए थे, जो जिनको कल रोका गया था खराब मौसम की वजह से, उन सभी को आगे भेज दिया गया है और करीबन 10 से 11 यात्री 9-9:30 बजे तक ऑलरेडी सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। इन दिनों मौसम लगातार ही करवटें ले रहा है, जिस वजह से पैदल मार्गों के अलावा हाईवे पर भी भक्तों के लिए कई मुसीबतें पैदा हो रही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम खुलने लगा है, भक्तों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और 15 दिनों में 2,00,000 भक्तों के आने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार केदारनाथ यात्रा में पुराने सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। केदारनाथ से प्रवीण सिमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।